हाथ जिन में हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और जो भड़के गाज शोला सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। नमस्कार साथियों, मैं गोर्धनदास और आज आपके लिए लेकर आया हूं बुद्धकालीन स्तूप। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बुद्धकालीन स्तूप के अंतर्गत दोस्तों स्तूप का मतलब होता है राख का ढेर या किसी वस्तु का ढेर या थुआ। ये जो स्तूप है इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसका स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद के अंदर मिलता है। आप जानते हो ऋग्वेद, ऋग्वेद वैदिक सभ्यता में सबसे पहले रचना इसकी हुई थी ऋग्वेद की। ऋग्वेदिक काल कहा जाता है और ये समय है 1500 से लगाकर 1000 ईसा पूर्व था। ऋग्वेदिक काल इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। उस ऋग्वेद पुस्तक में सर्वप्रथम स्तूप के बारे में कहा गया। सामान्यतः स्तूप अस्थियों को सुरक्षित रखने के लिए इसका निर्माण किया जाता था। अस्थियों को सुरक्षित रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। स्तूप स्तूप का निर्माण अजातशत्रु के समय में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति और उनके अवशेष को 8 भागों में विभाजित किया गया था। इस 8 भागों में विभाजित करके उन 8 जगहों पर स्तूपों का निर्माण किया गया था। इसके अलावा दोस्तों अशोक के द्वारा भी स्तूपों का निर्माण किया गया था, जिसकी संख्या थी 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया था और उसको नष्ट किया पुष्यमित्र शुंग एवं गौड शासक शशांक के द्वारा। ये नष्ट किया गया था अशोक के द्वारा जो 84। आज भी राजस्थान में भी एक स्तूप है अशोक के द्वारा बनाया गया है, जिसे बाबरू शिला लेख विराट नगर में ही बाबरू शिला लेख, जिसमें उसने बुद्ध धर्म संघ बुद्ध धर्म संघ के प्रति निष्ठा व्यक्त की गई है। तो दोस्तों बुद्धकालीन स्तूप, स्तूप का मतलब होता है वस्तु का ढेर। स्तूप की सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है और स्तूप अस्थियों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। सर्वप्रथम अजातशत्रु के समय में प्रथम बुद्ध संगति हुई थी, उससे पहले महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उनके अवशेष को अस्थियों को 8 भागों में विभाजित करके 8 महाजनपदों को दिया गया था जो शक्तिशाली थे, और 8 महाजनपदों ने उनके अस्थियों के ऊपर स्तूप का निर्माण करवाया था और वो स्तूप दोस्तों महान स्तूप कहलाता है। अशोक के द्वारा भी 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया था, जिसको पुष्यमित्र शुंग एवं गौड शासक शशांक के द्वारा नष्ट किए गए थे, और आज कुछ स्तूप भी आज हमें मिलते हैं। स्तूप दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्तूप का प्रकार है शारीरिक स्तूप। शारीरिक मतलब महात्मा बुद्ध के दांत, बाल, अस्थि या कुछ भी हड्डियों में से कोई भी अवशेष, उस पे अगर कोई भी स्तूप बनाया गया है तो उसको बोलते थे शारीरिक स्तूप। ये शारीरिक स्तूप 8 बनाए गए थे उस समय। तो शारीरिक स्तूप पहला। दूसरा स्तूप होता है पारिभोगिक स्तूप। पारिभोगिक का मतलब होता है जो महात्मा बुद्ध के द्वारा उपभोग की हुई वस्तुएं होती थी उनके ऊपर जो स्तूप बनाया गया हो उसको बोलते थे पारिभोगिक स्तूप। तीसरा स्तूप होता था उद्देशिका स्तूप।
इस उद्देशिका स्तूप की विशेषता यह होती है कि महात्मा बुद्ध के जन्म, महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति, महात्मा बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, महात्मा बुद्ध ने जहाँ पर अपने अधिकांश समय बिताया, महात्मा बुद्ध ने जहाँ पर कोई विशेष या पहला धर्म चक्र प्रवर्तन या पहला उपदेश जहाँ पर दिया, उन सभी बुद्ध से संबंधित स्थानों पर एक उद्देश्य विशेष को ध्यान में रखकर जो स्तूप बनाए जाते हैं उन्हें उद्देशिका स्तूप कहा जाता है। चौथा स्तूप होता है दोस्तों पूजार्थ स्तूप या धर्माधिक स्तूप भी इसको कहा जाता है। पूजार्थ स्तूप जो धर्म, जो अमीर धनिक वर्ग, व्यापारी या वर्ग होते हैं उनके द्वारा पूजा या महात्मा बुद्ध के प्रति श्रद्धा के उद्देश्य से कहीं पर भी स्थापित किए जाते थे, इसको बोलते थे पूजार्थ स्तूप। तो दोस्तों हम देख चुके हैं आठ प्रकार के अजातों के समय बने थे, शारीरिक स्तूप थे, पारिवारिक स्तूप, उद्देश्य का स्तूप और पूजार्थक स्तूप। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कि भारतीय शैली में कौन से स्तूपों का निर्माण हुआ और उसका क्रम क्या है। भारतीय शैली में निर्मित स्तूपों का क्रम, पहला सबसे प्राचीन स्तूप है पिपरवा स्तूप, ये दोस्तों नेपाल के तराई प्रदेश में है। ये बिहार है, ये नेपाल का जो तराई प्रदेश है यहां पर पिपरवा का स्तूप मिला है। ये महात्मा बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति के समय का, निर्वाण प्राप्ति के समय का। ये नेपाल के तराई प्रदेश में। दूसरा स्तूप है दोस्तों भरहूत का स्तूप, भरहूत का स्तूप, ये स्तूप है अशोक काल, ये दोस्तों सतना एमपी में। भरहूत का स्तूप सतना एमपी में है, ये अशोक काल में, लेकिन इसको पत्थर से आच्छादित किया गया था सिंध काल में, पत्थर का बना। इसके अलावा बरूद का स्तूप है वो समय के साथ मिट चुका था, जर्जर हो चुका था। इसको सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में कनिंगम के द्वारा खोजा गया। उस समय उसने कहा था कि ये जर्जर अवस्था में प्राप्त हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1873 में इसको खोजा गया था। इसकी दोस्तों विशेषता है भरूच का जो स्तूप है वो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, लाल बलुआ पत्थर से बना। 1873 में कनिंगम के द्वारा इसे खोजा गया। आज इसके प्रमाण इलाहाबाद म्यूजियम, कलकत्ता म्यूजियम में मिलते हैं, म्यूजियम में ही यह अब रह गया। इसकी विशेषता यह है कि ये भरूचि की स्तूप की जो वेदिका होती है उस वेदिकाओं पर जातक कथाओं के चित्रों के अंकन उत्कीर्ण, मतलब खुद के पूर्व जन्म की जो भी कथा है उन वेदिकाओं पर चित्रित के रूप में अंकित की गई है। तो पिपरवा स्तूप सबसे प्राचीन भारतीय स्तूप है, उसके बाद में आता है भरूच का स्तूप, तीसरा आता है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा निर्मित, अशोक द्वारा निर्मित, ये सबसे विस्तार सबसे बड़ा अभिलेख है और इसको भी पत्थर के द्वारा बनाया गया था सुंग काल में। उसके अलावा सांची के स्तूप में तीन स्तूप, बड़े बड़े स्तूप मिले, पहला दूसरा और तीसरा। पहला जो स्तूप है उसको बोलते हैं महास्तूप, इस महास्तूप में महात्मा बुद्ध के धातु के अवशेष मिले हैं, महात्मा बुद्ध के धातु के अवशेष मिले हैं। दूसरे स्तूप के अंतर्गत अशोक कालीन जो धर्म प्रचारक थे उनके धातु के अवशेष मिले हैं और तीसरे स्तूप के अंदर महात्मा बुद्ध के दो शिष्य
सारिपुत्र और मुद्गलायन इनके धातु के अवशेष मिले। तो पहला था मास्तु, दूसरा है स्तु और तीसरा भी है स्तु। इसमें मिला है बुद्ध के दो शिष्य सारिपुत्र एवं मुद्गलायन और अशोक कालीन धर्म प्रचार इनके धातु के अवशेष उस दूसरे वाले स्तूप में। सांची के स्तूप में तीन स्तूप और मिले हैं, एक तो है मां स्तूप जिसमें महात्मा बुद्ध के अस्थियों और धातु अवशेष मिले हैं, दूसरे स्तूप में अशोक कालीन जो धर्म प्रचारक थे उनके अवशेष मिले हैं, तीसरे स्तूप में बुद्ध के दो शिष्य सारिपुत्र और मुद्गलायन के अवशेष मिले हैं। उसके बाद में तीसरा चौथा आता है अमरावती स्तूप। ये जो अमरावती स्तूप है इसकी अमरावती की राजधानी थी दांडी कटक और ये जो स्तूप है वो सफेद संगमरमर से निर्मित है, सफेद संगमरमर और ये अमरावती स्तूप सातवाहन काल में जो धनी व्यापारी आते हैं उन धनी व्यापारी के द्वारा अमरावती का स्तूप बनाया गया और इसको बनाने का समय है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी ईस्वी तक ये बनाया गया है अमरावती स्तूप जो कि सातवां काल का है। इनकी राजधानी थी दोस्तों धान्य कटक और ये सफेद संगमरमर से निर्मित है। तो आपको मैं बता दूं बात में तीन प्रकार की कला थी, एक तो है अमरावती, एक है मथुरा और एक है गांधार। ये तीन प्रकार की मूर्ति निर्माण की तीन कला मथुरा गांधार और अमरावती। इसमें लाल बलुआ पड़ता था, इसमें सफेद संगमरमर, इसमें सफेद संगमरमर। इसको सातवां शासन ने संरक्षण दिया था, इसको दोनों को कनिष्ठ सुंग या आपके कुषाण काल के कनिष्ठ थे उन लोगों ने संरक्षण इसे प्रदान किया गया था। तो अमरावती का स्तूप, अमरावती के स्तूप के बाद में आता है अमरावती के स्तूप के बाद में आता है नागार्जुन कोंडा स्तूप। ये नागार्जुन कोंडा स्तूप है वो इक्ष्वाकु वंश के द्वारा बनाया गया था। ये इक्ष्वाकु वंश सातवाहनों के उत्तराधिकारी थे, सातवाहनों के उत्तराधिकारी। नागार्जुन कोंडा स्तूप ये इक्ष्वाकु के द्वारा बनाया गया था। इक्ष्वाकु जो कि सातवाहनों के बाद में उस जगह पर आए थे और इसका समय है दूसरी शताब्दी ईस्वी का। दोस्तों अब नागार्जुन कोंडा के बाद मौर्योत्तर काल हुआ। अब मौर्योत्तर काल के बाद में आप जानते हो कौन सा काल आएगा, गुप्त काल। तो गुप्त काल में बना हुआ था सारनाथ का स्तूप या फिर इसको बोलते हैं दमेक स्तूप। इस दमेक स्तूप का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। अब इसकी विशेषता क्या है कि ये जो स्तूप है ये वर्गाकार नहीं है, ये गोलाकार है। ये जो स्तूप है वो गोलाकार है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो स्तूप बना हुआ है वो चबूतरे पर नहीं बना हुआ, ये चबूतरे के ऊपर नहीं बना। उसके अलावा सारनाथ और दमेक जो स्तूप है ये गुप्त काल का एक प्रमुख है और ये काफी बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है दमेक स्तूप के बारे में। तो दोस्तों हम ये देख चुके हैं भारतीय शैली में निर्मित स्तूपों का क्रम। सबसे पहले हमने देखा है पिपरवा का स्तूप, फिर आया भरहूत का स्तूप, फिर आया सांची का स्तूप, फिर आया अमरावती का स्तूप, फिर आया नागार्जुन कोंडा का स्तूप, फिर आया सारनाथ या दमेक स्तूप। दोस्तों बोध कला, बोध स्तूप जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का प्रारंभिक उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप का निर्माण मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। महासमुद्र की अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया था अजातशत्रु के समय में। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में।
स्तूपों के 204 प्रकार होते हैं। शारीरिक स्तूप बुद्ध के शरीर धातु केश और दांत के ऊपर बनाए जाते हैं। पारिभौतिक स्तूप बुद्ध के द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं भिक्षा पात्र चीवर पादुका इसके ऊपर बनाए जाते हैं। उद्देश्य का स्तूप बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े स्थानों पर निर्मित स्तूप है। पूजार्थक स्तूप बुद्ध के प्रति श्रद्धा से वशीभूत धनवान व्यक्ति द्वारा तीर्थ स्थानों पर निर्मित स्तूप है। स्तूप निर्माण की शैलियां दो होती है, अभी हम पढ़ेंगे इस भाग में, भारतीय शैली और फिर आती है गांधार शैली। भारतीय शैली में महत्वपूर्ण स्तंभों के निर्माण का क्रम, सबसे पहले बना था पिपरवाका स्तूप, ये सबसे प्राचीन स्तूप है, नेपाल के तराई प्रदेश के पास बना था, ये RSP 2010 में पूछा जा चुका। भरूतिया सतना MP में बना था, ये अशोक के द्वारा निर्मित अशोक स्तूप है। सांची मध्य प्रदेश में रायसेन में ये अशोक के द्वारा निर्मित स्तूप है। शुंग काल में पाषाण द्वारा इसे बनाया गया था। इसकी 200 इसकी वेदिका के ऊपर, इसके अलावा इसकी वेदिका शुंग काल में बनी थी। और सांची के स्तूप में 3 स्तूप है, एक तो महास्तूप और एक आता है जिसमें महात्मा बुद्ध की हड्डियां है, महात्मा महास्तूप। उसके अलावा अशोककालीन धर्म प्रचारकों के स्तूप से, उसके अलावा तीसरा स्तूप है बुद्ध के शिष्य थे 2 सारिपुत्र और मोदगलाय, उनके धातु अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे। तो सांची के अंदर 3 स्तूप मिलते हैं। अमरावती गुंटूर आंध्र प्रदेश में आया हुआ है, ये सातवन काल में व्यापारी के द्वारा निर्मित है। सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था, ये शुरू हुआ था दोस्तों 200 ईसा पूर्व से लगाकर 2 शताब्दी में, और अमरावती की राजधानी थी गांधीकटा। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में आया हुआ है, 2 शताब्दी ईस्वी और 3 शताब्दी इक्ष्वाकु शासकों के द्वारा नागार्जुन कोंडा का स्तूप बनाया गया था, ये इक्ष्वाकु सातवाहनों के उत्तराधिकारी थे। फिर आता है धमेक स्तूप, ये निर्माण गुप्त काल में हुआ था और सारनाथ स्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों ये ईटों के द्वारा निर्मित है, ये धरातल पर बना है न कि चबूतरे के ऊपर, ये गोलाकार है न कि वर्गाकार है, ये ईटों के क्योंकि गुप्त काल में सब ईटों के द्वारा ही बनता था। अब आता है भरगुप्त का स्तूप, ये मौर्यकालीन अशोक द्वारा निर्मित है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शुंग शासकों के समय में ईसा पूर्व 2 शताब्दी में पत्थर से ये बन गया था। 1873 में कनिंगम के द्वारा खोजा गया था, तब स्तूप खंडर हो चुका था और स्तूप के अवशेष अब कलकत्ता इलाहाबाद सतना और बंबई में मिलते हैं। तोरण द्वार के अवशेष कलकत्ता के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है। कनिंगम ने इन अवशेषों के आधार पर कहा था कि भरगुप्त के स्तूप का निर्माण मूल निर्माण अशोक के काल में हुआ। भरगुप्त स्तूप के तोरण द्वार पर गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा का सर्वप्रथम अंकन किया गया। सांची से प्राप्त 3 स्तूप है, प्रथम विशाल स्तूप या महास्तूप में भगवान बुद्ध के धातु के अवशेष मिले हैं। द्वितीय अशोककालीन धर्म प्रचारक के धातु के अवशेष मिले हैं। तृतीय बुद्ध के 2 शिष्य सारिपुत्र और महामोदगलाय के धातु के अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्तों, हम ये देख चुके हैं, अब मुझे आप ये बताइए कुछ क्वेश्चन कि अशोक के द्वारा कितने हजार स्तूपों का निर्माण करवाया गया और राजस्थान में कौन सा स्तूप है और उस पे कौन सा शिला लेख है उसका नाम बताइए। उसके अलावा महात्मा बुद्ध का निर्वाण प्राप्ति के समय मगध का सम्राट कौन था। तो दोस्तों इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। आपको और भी कोई भी प्रॉब्लम हो हिस्ट्री के अंदर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो टॉपिक मैं आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जय हिंद।